नास्तिक हो या नौटंकी या हो ये कॉलेज, पटाने के तरीके वही रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूले बदलते हैं। फॉर्मूले, हर लड़की को पटाने का नया फॉर्मूला होता है। गुरु, ये फॉर्मूला का क्या चक्कर है भाई? वेरी सिंपल, मुन्ना भाई का फॉर्मूला हुआ पुराना, क्योंकि अब है डैशिंग धवे का जमाना। लड़की पढ़ाने के फॉर्मूले जानिए डैशिंग धवे से, रेडियो एशिया पर एकदम झकास। दिस इज रेडियो एशिया और आप सुन रहे हो रोमांटिक रविवार आपके अपने डैशिंग द वे के साथ, ओनली ऑन रेडियो एशिया, विपुल देश इन परदेश। तो इस शो में मैं आपको लड़की पटाने के 120 फॉर्मूलेस बताऊंगा, लेकिन इस बार लड़कियां ये शो सुन सकती हैं। पिछले हफ्ते जब मैंने लड़के पटाने के फॉर्मूलेस कहे थे, तब बॉयज वेर नॉट अलाउड, इट वॉज स्ट्रिक्टली फॉर गर्ल्स। लेकिन आज जब मैं लड़की पटाने के फॉर्मूलेस बताने वाला हूँ, तो लड़कियाँ ये शो सुन सकती हैं। आफ्टर ऑल, अगर लड़कियाँ हैं तभी तो हम हैं। और भला डैशिंग दवे कैसे हसीनाओं को खफा कर सकता है? तो ब्यूटीफुल गर्ल्स, प्लीज स्टे ट्यून एंड लिसन टू मी, बिकॉज आई लव यू ऑल। एंड यू बॉयज गेट रेडी विथ योर पेन एंड नॉट अ पेपर बट अ नोटबुक। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मैं सपने बहुत देखता हूं और शायद कहीं तुमसे मिल चुका हूं। हमको तलाश है उस खूबसूरत हसीना की जो दिन रात हमारे ख्यालों में बसती है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ड्रीम गर्ल हमको मिल जाए, जो अक्सर हमारे सपनों में आती है। मेरा एक विश्वास है, मुझे लगता है कि भगवान ने हम सब के लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। वही जानता है और वही फैसला करता है कि हम कब, कहां, किससे और कैसे मिलेंगे। शायद उसने हमारे लिए भी कुछ सोच रखा है। देखते हैं कि वो हमें अपने प्यार से कैसे मिलाता है। फॉर्मूला नंबर 1, डिसाइड अ गर्ल फर्स्ट। मेरा मतलब है, हम लड़कों को हर ब्यूटीफुल लड़की अच्छी लगती है और मन ही मन हम उसे अपना दिल दे बैठते हैं। सो दैट्स व्हाई आप पहले एक लड़की डिसाइड करें, सिर्फ एक लड़की। उसके बाद अपना सर झुका के उससे पूछो, तो ये थे डैशिंग दवे के 19 फॉर्मूलेस लड़की पटाने के। अब आखिरी बात, यानी डैशिंग दवे के डायरेक्ट दिल से, यह फॉर्मूला 101 के बराबर है, इसीलिए फॉर्मूला नंबर 120। देयर आर टू मैन इनसाइड ऑल ऑफ अस, वन इज राम एंड द अदर इज रावण। एक कहता है कि वो दिल से सोचता है एंड द अदर सेज कि वो दिमाग से सोचता है। एक दिल से दिल का मिलन पहले चाहता है और दूसरा पहले फिजिकल। एक लड़की में कितने अच्छे गुण है वो देखता है और दूसरा उसका फिगर। एक उसे अपने दिल की क्वीन बनाकर रखना चाहता है, लेकिन दूसरा अपने पैरों की जूती। पहला दिल की बात सुनकर आगे बढ़ना चाहता है, तभी दूसरा उसे रोक देता है। वन वॉन्ट्स हैप्पी मैरिड लाइफ एंड द अदर वॉन्ट्स हैप्पी सेक्स लाइफ, वन कॉन्करस हार्ट एंड द अदर रूल्स। जीत हमेशा अच्छाई की होनी चाहिए,
लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं। ये लड़ाई चलती आई है और चलती रहेगी जब तक हम अपने सोचने का नजरिया ना बदले। लाइफ में लड़कियां एंजॉयमेंट के लिए नहीं है ना, बट वो है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, लाइफ में हमें सही राह दिखाने के लिए, लाइफ में हमें गलत काम करने से रोकने के लिए। जिंदगी में कई बार वी हैव फॉलन, स्टम्बल्ड, रोल्ड ओवर, बट शी इज दी ओनली वन हु कैन मेक अ स्टैंड अगेन एंड कैन हेल्प टू अचीव अवर गोल्स। शी मेक्स अस बिलीव दैट फेथ इन सक्सेस इज फार ग्रेटर देन इट्स फेलियर। सिर्फ वो ही है जो हमें प्यार क्या है वो सिखा सकती है, सिर्फ वो ही है जो हमारे घावों पर अपने प्यार का मलम लगा सकती है। इतिहास गवाह है कि लड़कियां के हाथ सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए नहीं है ना, जब वो अपने हाथों में तलवार उठाती है तब बड़े से बड़े शैतान को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप सीता जैसी वाइफ चाहते हो तो आपको भी राम बनना पड़ेगा, आपको भी राम बनना पड़ेगा। आपके मन से रावण निकाल दो और उसे आप राम की तरह सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ उसे चाहो।